Dear students, in this module, we are going to discuss the violent types of crime. Violent crime refers to the criminal offenses that involve the use of force or threat of force against another person. It is not the victimless crime, these are the crimes in which certain victims are involved. किसी की जान लेना या किसी को जो है वो लाइफ थ्रेट देना भी शामिल होता है एग्जाम्पल्स ऑफ वायलेंट क्राइम इंक्लूड मर्डर असल्ट और रेप पाकिस्तान हैज़ द हाई रेट ऑफ वायलेंट क्राइम विद सम एस्टिमेट सजेस्टिंग दैट देर आर ओवर ट्वेंटी थाउजेंड मर्डर्स इन द कंट्री ईच ईयर अगर हम इनके डिफरेंट मोटिवस के ऊपर गौर करें तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये जो वायलेंट क्राइम्स हैं एक तो इनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है इसके हवाले से लॉ इन्फ़ॉर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं वो बड़ी सख्ती से रिएक्ट करती हैं हमारा जस्टिस सिस्टम जो है वो बड़ी सख्ती से रिएक्ट करना चाहिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर जो पोटेंशियल लूप होल्स हैं उनकी वजह से इनके हवाले से कोई इफ़ेक्टिव पनिशमेंट का मैकनिज़म डेवलप नहीं हो पाता तो ये एक इंस्टिगेटर बन जाता है एक मोटिवेटर बन जाता है फ्यूचर पोटेंशियल क्रिमिनल्स के लिए कि अगर पाकिस्तान के अंदर मर्डर करके बचा जा सकता है तो इट्स नॉट अ बिग डील और पोटेंशियली जो है क्राइम इस तरह का जो वायलेंट क्राइम होता है उसके लिए फ्यूचर में भी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं तो जैसे कि हमने ये देखा है कि डिटेरेंस एक मेकनिज़म ऑफ सोशल कंट्रोल होता है एक स्ट्रॉग मेकनिज़म ऑफ सोशल कंट्रोल होता है तो इस तरह के वायलेंट क्राइम से अगेंस्ट जितना स्ट्रॉग मैकेजम सोशल कंट्रोल होगा उतना ही ज़्यादा डिटेरेंस पैदा होगा और अगर डिटेरेंस का लेवल लो है क्राइम uh, की सज़ा का खौफ जो है वो मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वी आर प्रोड्यूसिंग मोर पोटेंशियल और प्लेटफॉर्म्स फॉर सच काइंड ऑफ क्राइम्स सो फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रेवलेंस ऑफ वायलेंट क्राइम इन पाकिस्तान कैन इंक्लूड पावर्टी पोलिटिकल इंस्टेबलिटी एंड प्रोलीफ्रेशन ऑफ वेपन्स हथियारों का आम तौर पर मिलना हथियारों का आम इस्तेमाल और इस तरह से जो पोलिटिकल इंस्टबिलटी है पाकिस्तान के सिचुएशन में जब आप देखते हैं कि बहुत सी ऐसी वजूहत हैं जिनकी बुनियाद पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम नहीं हो पा रही है और गुरबत है तो ये सारे फैक्टर्स मिल के जो हैं इस तरह के वायलेंट क्राइम्स के लिए प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं और इन एडिशन टू डेट अगर पर्टिकुलरली हमारे यहाँ जब हम ये देखते हैं कि डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि यूथ जो है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर ओल्डर पापोलेशन तो ये यूथ जैसे एक पोटेंशल होती है पोटेंशल रिसोर्स होती है उसी तरह से ये यूथ जो है ये आपके लिए एक ऐसा फैक्टर बन सकती है जिसकी वजह से माशरे के अंदर डिसऑर्गनाइजेशन भी पैदा हो सकती है तो बहुत से ऐसे क्राइम होते हैं जिनके अंदर यूथ इन्वॉल्व होती है चूँकि उनके लिए जायज़ रास्ते मौजूद नहीं होते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है महदूद होती हैं तो दे आर दे टू तो इंगेज दमसेज इन टू सच वायलेंट एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज़